स्पेशलिस्ट तू ही फ्रेडी बोल रहे ना क्योंकि तू मेरे ख्वाब में आया था फ्रेडी बनके। और विजुलस आज मेरा पूरा दिन मूड ऑफ ही रहने वाला है। क्या हुआ? क्योंकि मैं मिलने किसी और से आया था और तू कबाब में हड्डी बन गया, इसलिए कोई भी बात करनी हो तो तू जानता है। खामोशी से। अगर ना की तो तू जानता है कि मैं प्लास से कान खींचे बगैर रहता नहीं हूँ। बताओ किससे मिलने आए थे तुम यहाँ? वही जिसके लिए तूने मेरा काली बिल्ली की तरह रास्ता काटा है। उसका नाम तो मुझे पता है लेकिन तू मेरी फूफी का लड़का है जो मैं तुझे बताऊंगा। और वैसे भी नाम सुनकर तू फड़फड़ाने लग जाता है पत्ते की तरह, और तेरी कड़क मूछे की भी खबरें तो उस तक जाती रही हैं। बादशाह के महल की खबरें किस बदबख्त को पहुंचाते थे तुम? जवाब दो। उसका नाम, चल हिंट देता हूँ तुझे, टी से शुरू होता है और आखिर में एम आता है। मुझे पता है तू इंग्लिश में कमजोर है इसलिए मैं खुद ही बता रहा हूँ। तेरी मौत। मुझे पता है ये सुनकर तुझे जवाब नहीं मिला क्योंकि हर बंदे ही तुझे मारना चाहता है, क्योंकि हर बंदे का तू कर्जा खा के बैठा है। अगर तुम उसका नाम ना भी बताओ तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। कैसे? तेरी मुझे कलर चेंज हो जाएगा जब वो तुम्हें बचाने आएगा। विशुल से एक बात का बुरा ना मानिए, जाके रोब अपने मामू को ही दिखा जिससे तू टाफियों के लिए जिद करता रहता है। रोब तो तेरा तेरे बाप से भी ज्यादा, लेकिन अकल में बिल्कुल नहीं लिया। अभी तक उस सवाल का जवाब तो नहीं ढूंढ पाया कि किसका तूने फोन टोका है, मीन काटा। तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ मैं। यानी तुझे पता था वैसे ही इतना बड़ा ड्रामा रचा। ड्रामेबाज अभी तक वैसे इर्तकल ने कुछ लिखा क्यों नहीं कमेंट में? वरना तो तुझे पता है कि इर्तकल जब तक कमेंट में सड़ियल ना लिख ले तेरे लिए तो उसे चैन नहीं आता। मतलब उनको मेरे आने की खबर नहीं हुई? मुझे भी यही लग रहा है, वरना इर्तकल तो तेरा जीना हराम कर लेता। मैं खामखा तुम्हें शातिर समझ रहा था। शुक्र अदा कर के इर्तकल अभी है नहीं, वरना अगर होता तो तू जानता है दरिया के किनारे मारे जाएंगे। अबे दरिया के किनारे कई कबीले के चप्पलों से मारे जाएंगे। ये बोल, मैं तेरा ये ख्वाब पूरा भी कर सकता हूँ, यानी मेरे पास इर्तकल का दूसरा नंबर भी है, उस पे कॉल करके और तेरी इतला दे दूँ। बिल्कुल कोई आवाज न निकले, सब खामोश रहेंगे, समझ गए? लेकिन मुझे पहले बोलना था ना, मैंने तो उसे भेज दिए है तेरा एड्रेस। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अब मजे कर, वो तेरी जान ले गई जाएगा। अबे मजाक कर रहा हूँ, तेरी तो सांस अटक गई थी, मैं बेसिकली फन क्रिएट कर रहा था। अभी तो तेरी सांस अटकी है, अगर इर्तकल को फोन किया तो पूरी सांस निकल आएगी। और इर्तकल बोल रहा है मैं तुझसे नेकिया वापस लेने आ रहा हूँ। हमारे नाम, यानी तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है। अब तू सिर्फ बच, मैं तो फोन काट रहा हूँ, अब इर्तकल से ही निपटी तू। तो दोस्तों, जिस जिसको विशुलस की ये वीडियो पसंद आई है तो वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करे। दोस्तों, मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरी और विशुलस तो सलाम नहीं देता, चलो इर्तकल की तरफ से अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, दुआओं में याद रखना।